चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले सिल्वर के व्यू के ऊपर, फिर आपके जो सवाल थे कल जो पूछे थे वो सवाल भी ले लेता हूँ, और कल हमने क्या चर्चा करी थी सिल्वर के ऊपर उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कल हमने चर्चा करी थी कि सिल्वर जो है वो एक बार के लिए नीचे जा सकता है, तो 70,700 उसका सपोर्ट है और एग्जैक्ट लगभग उसी लेवल के आसपास गया है, 715 का लो बनाया और वहाँ से अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो आगे क्या हो सकता है अभी आज के दिन के लिए उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो आज जो है वो उसका सपोर्ट बनेगा 71,950 के आसपास, ठीक है। 71,950 का जो लेवल है वो हमें ध्यान में रखना है, वो लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये वापस से थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। जैसे कि कल हमने चर्चा करी थी कि 73,100 ये जो लेवल है वो हमें ध्यान में रखना है, जब तक ये लेवल के नीचे चल रहा है सिल्वर तब तक जो है वो उसका ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव टू साइडवेज माना जाएगा, ठीक है, नेगेटिव टू साइडवेज। और कल जो है उसने एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाया है हैमर कैंडल, लेकिन उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है, क्या होगा वो हम देखते हैं, आज पता चलेगा क्लोजिंग होने के बाद। हैमर पैटर्न के बारे में जो है वो हमारा कैंडल स्टिक नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो पूरा, उसमें हैमर पैटर्न मैंने समझाया है। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, 73,100 सीधी बात है, 73,100 के ऊपर आज निकल जाए, ठीक है, या तो फिर अगले मंडे ट्यूसडे कभी भी ये निकल जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए शॉर्ट वाली पोजीशन में, क्योंकि फिर वहाँ से जो है वो बहुत ही बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अब नई गिरावट के लिए जैसे अभी हमने चर्चा करी कि 71,950 का लेवल उसको काटना पड़ेगा, उसके नीचे अगर चलते हैं तो फिर से 70,700 का लेवल उसके आसपास जा सकते हैं, वो लेवल अगर काट दिया तो इस बार ये एक बार के लिए 69,769,000 ये वाले लेवल जो है वो एक बार रिटेस्ट करने की पूरी पूरी उम्मीद जो है वो मुझे लग रही है। तो हमें जो है वो ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। थोड़ा सा गोल्ड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ये सिल्वर का व्यू जो है वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। गोल्ड के लिए अब हमें ध्यान में रखना है 59,400, 59,400 का लेवल, वो लेवल अगर ऊपर पार कर पाते हम तो फिर बड़ी स्पीड से जो है वो ये एक बार के लिए 59,750 से लेके 59,800 के आसपास गोल्ड जा सकता है। फिर वहाँ से ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फिर 60,400, 60,500 जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, वो एक अच्छी रेंज है, वहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है 60,500 के ऊपर। तो फिर वहाँ से जो है वो 62,000 वो वाले लेवल जो फिर है 70,000 वो वाले लेवल जो है वो गोल्ड में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड में खतरा कहाँ पर हो सकता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो गोल्ड में अब खतरे के लिए उसको जो है वो पहले अभी चल रहा है दोस्तों 59,225-30 के आसपास गोल्ड, तो उसके लिए 59,100 ये पहला लेवल है, सपोर्ट है, वो अगर काटता है तो कल का जो लो लगाया था वो एक बार रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि तकरीबन 58,650 के आसपास ही 58,650 जा सकते हैं, वो अगर काट देता है तो फिर नई गिरावट जा सकती है, फिर जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 57,700, 57,300, 56,500 ये वाले लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो ये रही गोल्ड की भी बात। अब आपके जो सवाल थे कल के लिए वो वाले जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कल भी बहुत सारे दोस्तों ने अच्छे सवाल पूछे थे, तो वो एक बार सवाल जवाब का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो देख लेते हैं। अगर आपको भी कोई दोस्तों सवाल हो अपनी पोजीशन के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड कुछ जानना चाहो तो आप जो है वो मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो इसी वीडियो के नीचे। तो पहला एक सवाल था कैलाश नारायण सोनी करके, हमारे बहुत ही पुराने व्यूअर है, उनके कमेंट लगभग हर बार आते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो बता रहे हैं कि 80 किलो चांदी, 80 किलो चांदी खरीदा है, 75,400 का कुछ प्राइस होगा उनका, तो अब यहाँ से क्या हो सकता है। तो मेरा मानना है चांदी के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, पहली बात मेरा मानना है कि इसको ऊपर जाने के लिए 73,100 का लेवल पहले पार करना होगा, ठीक है। अगर हम वो लेवल पार कर पाते हैं तो ही नई तेजी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है या थोड़ा सा टाइम ले सकता है। कब तक जो है वो ट्रेंड पॉजिटिव मान रहा हूँ दोस्तों, तो जब तक ये पहला सपोर्ट जो है वो अभी यहाँ से अगर करंट लेवल की बात करें तो 70,700 पहला सपोर्ट है, ब्रॉडर व्यू बता रहा हूँ, उसके नीचे चलते तो लगभग लगभग 69,000, वो लेवल काटे तो 66,000, 66,500 ये कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये 66,000 के ऊपर है तब तक मैं मान रहा हूँ कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है और ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, इतने साफ साफ जो है वो आपको बता दिया है, फिर आप जो है वो इसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। रोहित प्रजापति जो है वो हमारे व्यूअर को बता रहे हैं कि गुड एनालिसिस सिल्वर की, मतलब कल की शायद ये बात कर रहे हैं, उनका सवाल नहीं लेकिन एक अच्छी कमेंट है, उन्होंने बताया कि आपने जो कल का एनालिसिस किया था वो अच्छा था। दोस्तों यही एनालिसिस अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना चाहो तो आप भी खुद कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि अगर थोड़े से हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, क्योंकि फिर थोड़ी सी जो है वो जनता जुड़ेगी हमारे साथ,
तो फिर मैं आपको लाइव सिखाने की कोशिश करूँगा, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेने का ट्राई करूँगा। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपको जो है वो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, उनकी जो है वो जब ग्रुप बड़ा बनेगा दोस्तों तभी तो मज़ा आएगी, फिर थोड़े लोग जुड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए जो है वो आप सपोर्ट करिए, तो फिर हम उसके बारे में भी लाइव भी सिखाएंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहो अभी टेम्पररी, तो आप जो है वो सपोर्ट एट डिस्टेंस नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विकी सिदाना जो है वो बता रहे सिल्वर का भी व्यू बाय का दे, बाय के लिए सीधी बात है विकी जी की, हमें जो है वो 73,100 यही लेवल पकड़ के चलना है, उसके ऊपर जाए तो फिर बढ़िया है। फिर दूसरा विकी सिदाना का एक और सवाल है कि गोल्ड बाय कहाँ से करे, पोजिशनली व्यू दे फ्री है, कहाँ से बाय करे आपका व्यू दे। तो गोल्ड के लिए जैसे अभी मैंने बताया कि टेम्पररी अगर आप बाय करना चाहो, मतलब पोजिशनल के लिए, तो 59,400 के ऊपर जाए तो गोल्ड पोजिशनल बाय बन सकता है। उसके ऊपर फिर 60,500 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। 59,400 के ऊपर रुके तो पहला लेवल आता है 59,750 से 800, फिर जा सकता है 60,300, 400, 500, यहाँ पर एक हर्डल है 200 पॉइंट में, वहाँ पर जा सकता है। फिर वहाँ पर रुकना चाहिए, वहाँ पर क्लोजिंग करना चाहिए। अगर वहाँ पर क्लोजिंग कर लिया तो फिर हमारी बल्ले बल्ले हो सकती है दोस्त, क्योंकि फिर वहाँ से तकरीबन तकरीबन ये गोल्ड जो है वो एक बार 61,900, 62,500, फिर तो चल पड़ेगा तो 70,000, ये लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे, लालच में कभी नहीं आना है। मार्केट दोस्तों यहीं का यही है, हम भी यहीं के यहीं हैं। मार्केट जो है वो ट्रेन की तरह है, अगर गोल्ड की गाड़ी छूट गई तो सिल्वर की आएगी, सिल्वर की चली गई तो नेचुरल गैस आएगा, वो नहीं आएगा तो निफ्टी आएगा, वो नहीं आएगा तो बैंक निफ्टी आएगा, नहीं आएगा तो स्टॉक आएगा। मौका हर बार कहीं ना कहीं मिलता है, सिर्फ हमें पहचानना आना चाहिए, ठीक है? और वो मौका कैसे पहचाने हम, उसके बारे में डिटेल में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में देखेंगे। चलिए, तो गोल्ड के बारे में भी मैंने यहाँ पर बता दिया। और इसके लिए अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो फिर 58,600 का नज़दीक का स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है? एकदम नज़दीक का, दूर का मेरा मानना है पोजिशनल, जब तक गोल्ड 55,000 के ऊपर है तब तक उसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव मान रहा हूँ मैं, उसके नीचे जाएगा तो ही फिर थोड़ा खराब हो सकता है। राजेश अग्रवाल करके हमारे व्यूअर है, वो बता रहे हैं कि 73,000 में सिल्वर बाय है, कहाँ एवरेज कर सकते हैं, ठीक है? तो एवरेज 70,700 का एक अच्छा लेवल आया था। अब देखिए, अगर वो लेवल काट देता है तो फिर एवरेज नहीं करना है, फिर आप करिए 69,500 के आसपास या 70,000 के आसपास। अगर वापस ये नीचे आता है तो, अगर वो नहीं आता है तो फिर हमें जो है वो वेट एंड वॉच करना है, ठीक है? फिर ऊपर जब चले जाए तब जो है वो अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। सिल्वर के अंदर भी 80,000 उसके ऊपर के जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। चांदी जो है वो 71,250 में खरीद सकते हैं। कल का जो व्यू है वो बताया, तो कल ही जो है वो वीडियो में बताया था अमित सोनी करके जो है वो बता रहे हैं, हमें 70,700 का सपोर्ट था, तो वहाँ पर अगर आप खरीदना चाहो तो वो वाला टेम्पररी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो भी दोस्तों के पास कैपिटल कम है या कैपिटल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है या पहले से इन्वेस्ट है, वो दोस्त हमेशा ध्यान रखे कि गोल्ड सिल्वर या किसी भी चीज़ में, हर एक कॉमोडिटी में, स्टॉक में, इक्विटी में, एट अ टाइम आपको जैसे कि 100 रुपये है तो आपको 100 रुपये में से 10-10 रुपये हर एक जगह पर निवेश करना है। 100 रुपये हो तो हम क्या करते हैं, 100 के 100 सिल्वर में लगा दिए, 100 के 100 जो है वो गोल्ड में लगा दिए, ये गलती नहीं करनी। हमें करना क्या चाहिए, 10 रुपये सिल्वर में, 10 रुपये गोल्ड में, 20-25 रुपये स्टॉक में लगाओ, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, डाइवर्सिफाइड करो दोस्तों। होता क्या है कि एक बार आपने पोजीशन कर ली फिर 4 महीने तक आपकी पोजीशन खींचती रहती है। सिल्वर में बाय किया या सेल किया तो बस सिल्वर के अंदर रोज उठ के भाव देखते हैं, ऊपर नीचे हमारी हार्ट बीट भी बढ़ती रहती है और कुछ उसका फायदा होता नहीं, अल्टीमेटली ज़्यादातर केसेस में लॉस होता है, ठीक है? तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, डाइवर्सिफाइड हमेशा रखिए, ठीक है? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें गोल्ड भी हो, सिल्वर भी हो, स्टॉक भी हो। अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो फिर मैं आपको मैसेज करके जो है वो पूरी जानकारी दे सकता हूँ। उसमें थोड़ा सा चार्जेस रहेगा दोस्तों, पहले से बता देता हूँ नॉमिनल, लेकिन वो वाले जो स्टॉक होंगे, वो जो पोर्टफोलियो होगा, बेहतरीन हो सकता है, ठीक है? तो बस ये कुछ सवाल थे, और दूसरे कुछ सवाल जिनका जवाब मैंने दे दिया था कॉपर में। हाँ, एक कल हमने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो पोस्ट किया था दोस्तों, 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट का, कि सिल्वर में कौन सा टाइम फ्रेम बढ़िया रहेगा ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम जो है वो दोस्तों उसमें डिटेल में चर्चा करी थी। वो सिल्वर का जो टाइम फ्रेम है वो आपने ना देखा हो तो जाके जरूर देख लीजिए, 2 मिनट का छोटा सा वीडियो है, जो कि आप सिल्वर में नहीं, हर एक कॉमोडिटी में आप लगा सकते हो या इक्विटी में भी लगा सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों कल के। अगर आपको भी ऐसे कुछ सवाल हो
तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके बताइए, आपके भी सवाल जो है वो लेंगे और उसका जवाब जितना मैं जानकारी है मेरे पास, जितना मेरा टेक्निकल नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ग्रुप में भी शेयर करिए, ताकि जो है वो हम ऑनलाइन क्लासेज जल्द से जल्द शुरू कर सके दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप बड़ा बनेगा तभी हमें मजा आएगी उसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।